पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना प्रबंधन के अंतर्गत संपत्ति 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 28 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कमियां हैं और कुछ समस्याएं भी होंगी जिस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। एक राष्ट्र एक चुनाव के सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुझाव देंगे कि पहले वन नेशन वन इनकम करें। बोधगया में परिवहन विभाग द्वारा 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें ई परिवहन संबंधी सेवाओं, इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पर चर्चा हुई। पीएम द्वारा रसोई गैस पर 200 रुपए कम करने पर सहरसा नगर निगम की मेयर बेन प्रिया और मंडन भारती कृषि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अरुणिमा ने खुशी जाहिर करते हुए इसे गृहिणियों के लिए अच्छा कदम बताया। नीलेश मुखिया हत्या मामले को लेकर दीघा 22B की पार्षद सुचित्रा सिंह और उनके हजारों समर्थकों ने प्रशासन और सरकार पर नामजद आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। अररिया के फारबिसगंज के निवृत्त मान अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला को उनके स्थानांतरण पर नव पद स्थापित पदाधिकारी रोजी कुमारी को नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी के पिता बनारस तिवारी के श्राद्ध कर्म में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सहित कई नेता गोपालगंज के बेलसंड गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखो अपना देश के तहत IRCTC द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई। यह ट्रेन झारखंड के गोड्डा स्टेशन से खुलकर भागलपुर स्टेशन तक श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएगी। और अंत में मुख्य समाचार।